अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो उन्होंने पिछले कल यहाँ पे विधानसभा के सत्र में दिया है, उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। और यह भी सारे हमारे माननीय सदस्य आज जिस चर्चा को बड़ी गंभीरता से सुन भी रहे हैं, उस पर बात भी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हमारी सरकार की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय ने यहाँ पे ले किया है। और मैं इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी सरकार का गठन ही हुआ है और राज्यपाल महोदय ने एक, जिसको कहते हैं, एक जिस्ट सरकार का एक दृष्टिकोण हमारे समक्ष और इस सदन के मार्फत पूरे प्रदेश के समक्ष रखा है। मगर मैं जिस तरीके से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है आदरणीय परमार साहब, जो आज हमारे नेता प्रतिपक्ष उपस्थित नहीं है, इसलिए और उनकी भूमिका में यहाँ पे सदन विपक्ष की ओर से उन्होंने अपनी बात रखी है सबसे पहले, तो मैं ये बात कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यहाँ पे बातें की गई, पहली बात तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, आपको ज्ञात होगा इस बात का कि जब व्यवस्था परिवर्तन की बात करी है, प्राइमरली ही सेड दैट वी डोंट बिलीव इन विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। और जिन अधिकारियों ने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ये वही अधिकारी है जो आपकी सरकार में भी प्लम पोस्टिंग्स के ऊपर बैठे हुए थे, इसलिए आप इनकी क्षमता को, इनकी इंटेलेक्ट को चैलेंज ना करें तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी सरकार में कोई भी अदला बदली पे ना तो मुख्य सचिव, ना डीजीपी, ना डिप्टी कमिश्नर्स, किसी के साथ भी किसी तरीके का मुख्यमंत्री महोदय ने कोई बदलाव की राजनीति हिमाचल में ना लाने की बात करी है। और यही वही अधिकारी थे जो पिछले बजट तक आपके दस्तावेजों को प्रदेश के अंदर, प्रदेश विधानसभा के अंदर ले कर रहे थे। इसलिए जस्ट ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करना, मैं समझता हूं ये सही नहीं है। हम भी पिछली सत्र में उसी साइड बैठे थे और मैं तो उस समय बिल्कुल, आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द हाउस इन द लास्ट टर्म, मैंने तो उस समय भी ये बात कहा कि हमको, वी नीड टू राइज अबव पेटी पॉलिटिक्स। जहां पे कोई अच्छा कार्य, कोई नई सोच अगर सरकार लेकर आ रही है, वी नीड टू स्पॉन्सर एंड सपोर्ट दैट। हमने तो विपक्ष में रहते हुए, आज मैं सदन के मार्फत फिर से बात कर रहा हूं, विपक्ष में रहते हुए धारा 370 जब हटाई गई थी, हमने उसका समर्थन किया था, बिकॉज दैट वॉज इन नेशनल इंटरेस्ट। कोई प्रदेश के लिए कोई निर्णय अगर लिए गए थे, हमने उसका समर्थन किया। आपको भी आज अपने राजनीतिक चश्मे को हटाकर अगर माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो निर्णायक निर्णय प्रदेश के लिए लिए जा रहे हैं, जो एक नए सिस्टम को प्रदेश के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स आपने बंद कर दिए, मुख्यमंत्री जी ने कल वो बड़े अच्छे तरीके से, विस्तार पूर्वक तरीके से कहा। आप तो 70,000 करोड़ रुपए का ऋण, 70,000 करोड़ रुपए का, जिसमें करीबन 45,000 करोड़ तो केवल पिछले सरकार का है, जयराम जी जो हेलीकॉप्टर में पूरे प्रदेश में घूमते गए, देश में घूमते गए, और कितना ऋण आपने अलग अलग संस्थानों से लिया, कितनी बार आपने FRMBM एक्ट को उसमें संशोधन लाया ताकि प्रदेश का ऋण और लिया जाए। ऐसी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है आज जहां से आपने ऋण के उसको बढ़ाने के लिए, दायरे को बढ़ाने के लिए आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। और आप क्या बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि आप अपने, हमारी आप कारगुजारी अभी एक महीने की पूछ रहे हैं। आपको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिस मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अभी तक उसका एक ईंट नहीं लगा, 5 साल हो गया आप सत्ता से, पक्ष से विपक्ष में चले गए, और आप हमसे उल्टा सवाल जवाब कर रहे हैं। हमको आपसे सवाल करना है कि आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या हुआ। आपकी डबल इंजन में आप बात करते थे कि हम सड़कें लेकर आएंगे, हम नेशनल हाईवेज लेकर आएंगे, क्या हुआ उन चीजों का? सारे के सारे खोखले वादे हैं। इसलिए आप धैर्य रखिए, आप संयम बना के रखें,
पांच साल का मैंडेट दिया है हमको और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से, इस शब्द को आप बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए, चरणबद्ध तरीका, फेज्ड मैनर, सारी चीजें एक ही दिन में नहीं होने वाली है और असली राम राज्य अब सुखू जी की सरकार में हिमाचल में आपको दिखने वाला है। असली राम राज्य आपको दिखाई दिया जाएगा और हर चीज पर न्याय संगत कार्य किया जाएगा। पहला न्याय जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रक्रिया को जो स्टॉल किया है, जिस तरीके से आपका भ्रष्टाचार का वो एक अड्डा बन चुका था, आपकी सीबीआई की इंक्वायरी, आपने कही कि हम पुलिस कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट स्कैम में सीबीआई को वो देंगे, कहां गई वो सीबीआई की टीम? चार छह महीने हो गए सीबीआई की टीम हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आई, अब जाकर उन्होंने कुछ तफ्तीश उसमें शुरू करी है। तो हम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, प्रदेश में नए रोजगार के साधन हमने पैदा करने हैं, जो हमारी 10 गारंटियां हैं उनको हम चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अंदर लागू करेंगे और जो हम कहते हैं वो पत्थर की जुबान, वो पत्थर की लकीर है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुख्यमंत्री जी का दायित्व है और मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा हमारा सरकार उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की आपने बात करी है माननीय महोदय, जहां तक आपने रोजगार की बात करी है, आप भूल जाइए 14 लाख बेरोजगार। अध्यक्ष महोदय 14 लाख बेरोजगार युवा आपकी सरकार में थे, इसलिए मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जो हमने 1 लाख प्रति साल की रोजगार की बात करी है, वो आने वाले समय में निजी क्षेत्र में भी दिया जाएगा और सरकारी क्षेत्र में भी दिया जाएगा। उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रही है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारा व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है, हम केवल इंस्टीट्यूट्स खोलने से सरकारें जो है वो नहीं चलती है। केवल जिस तरीके से आपने 6 महीने के इंस्टीट्यूट के बारे में अभी बारी बारी जिक्र हो रहा है कि बीडीओ का ऑफिस खोल दिया, उसको बंद कर दिया, एसडीएम सब डिविजनल ऑफिसेस बंद कर दिए, आप ये भी देखिए कि उसको चलाने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं है। केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जिस तरीके से आपने इन चीजों को प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया है, यू हैव बीन रिजेक्टेड एंड यू हैव बीन डिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज वाई यू हैव नो राइट टू स्पीक ऑन दिस इश्यूज। मेरा तो आपसे ये निवेदन रहेगा कि 6 महीने कम से कम विधानसभा में आते हैं तो मौन व्रत रखकर आइए और केवल हमारी कार्यशैली को देखिए। मुख्यमंत्री जयराम श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चलेगी, मुकाम हिमाचल प्रदेश के अंदर हासिल करने वाली है और जो अडॉप्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट में हैंडीकैप के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट, जो पहली चीज हमारे विकलांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो 100 करोड़ रुपए का बजट लेकर आए हैं, उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और प्रदेश की सरकार का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पर मेरा अंत में आपसे ये निवेदन है, मेरे विपक्ष के साथियों से मैं अंत में ये निवेदन करना चाहूंगा कि अभी थोड़ा सा संयम रखें। आपने प्रदेश की जनता को सांप्रदायिक ताकतों के नाम पे बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चुनावों में जब कोई तीर निशाने पे नहीं लग रहा था तो आखिरी में जो आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नारा दिया, किस सोच के साथ इसको आपने प्रदेश के अंदर इंप्लीमेंट करने की बात करी थी, ये हम भली भांति जानते हैं। मगर हिमाचल प्रदेश, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, इस चीज को मत भूलिए। हिमाचल प्रदेश के कण कण में देवी देवताओं का आवास है। ये जो आप और राज्यों में जो राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं चलने वाला है। ये वो हिमाचल प्रदेश है जहां पे कांग्रेस शासित राज्य ने धर्मांतरण का कानून वीरभद्र सिंह जी की सरकार 2007 में लेकर आई। ये वो राज्य है जहां पर हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं। जिस सोच के साथ
आपने आखिरी अपने ताबूत से ये एक जो है ये हथियार निकाला कि इससे हम सरकार को वापस ले आएंगे, हम सांप्रदायिक ताकतों को प्रदेश के अंदर बढ़ाएंगे, उसको पूरी तरीके से आपको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन रहेगा कि 5 साल तरीके से आए, अपनी बात को यहाँ पे रखें, अच्छे तरीके से रखें और सरकार का समर्थन करें और मिलकर, अभी यहाँ पे प्रमार साहब ने कहा कि हम बजट सत्र में पूरी तैयारी से आएंगे, आप फिक्र ना करें, हम भी पूरी तैयारी से आएंगे और हर आपके प्रहार का जवाब उल्टे प्रहार के साथ दिया जाएगा और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो प्रण लिया है उसमें पूरी सरकार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, थैंक यू वेरी मच। अब